एक्सक्यूज मी पूनम, मेरे को जी ना मेरे को एमसीक्यू मिल नहीं रहे चैट में से। आप ग्रुप में दोबारा सेंड कर सकते हो? क्या सेंड करने हैं? इसी के रिलेटेड एमसीक्यू जो मैम बोल रहे थे ना अभी, कह अच्छा कर देती हूँ, अभी भेज रहे हैं कि व्हाट्सएप की चैट में है लेकिन मेरे को मिल नहीं रहे। ओके देती हूँ। थैंक यू। पूनम मैम ने वो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करवा दिया क्या? अभी रहता है? वो तो करवा दिया मैम ने, शॉर्ट में करवाया ना। तो और कुछ स्टार्ट करवाया अभी कि कल करवाएंगे? बाकी कल करवाएंगे हमें तो। ठीक है, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लैंड्स वगैरह बस वही करवाया कि कुछ और भी? बस यही करवाया। और डिजीज वगैरह कुछ ऐसा पार्ट तो नहीं अलग से? ठीक नहीं, कुछ नहीं, मैम ने शॉर्ट शॉर्ट में बता दिया सारा। है। एक्चुअली हमारे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी। पिक्चर्स अपलोड कर देंगे मैम, देख लेना। पूनम वही ग्रुप के पुराना अंदर वाला ही डाल होगा सकते कि हो ये नए नए वाला कहाँ पे होता क्या? है? मतलब ये नई रिकॉर्डिंग है ना, वो किस मतलब के हेडिंग के अंडर होती है? वो साक्षी मैम के नेम के अंदर होगी। बोलो ठीक है। पूनम पूनम बोलो। ग्रुप के अंदर डाल दोगे नोट्स हाँ हाँ वगैरह? डाल दूंगी डाल दूंगी, याद करवा देना एक बार मुझे ना, मैसेज ओके। कर देना। आज 4 घंटे चली है क्लास। अच्छा 4:30। हाँ बीच में ब्रेक दे दी थी मैम ने, मतलब साक्षी मैम ने आपका साक्षी रिकॉर्ड मैम तोड़ दिया मैम। को ऐसे था कि ठीक थोड़ा है, थोड़ा करवा दे इनको, चलो लॉस ना हो, कुछ रह ना हाँ जाए इनका, कुछ ठीक, टाइम भी काफी तो कम करके लगेगा। आएंगे। क्योंकि पुराने बच्चों को तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देके करवाया ना मैम ने, तो हमें तो शॉर्ट शॉर्ट में वो बता दिया थोड़ा थोड़ा। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, गैस प्रिपरेशन का अच्छे ध्यान से। लगाओ मैम, 4 साढ़े 4 घंटे लग गए। 4:30 ठीक है, मतलब ठीक है, चलो आप लोगों का मतलब सिलेबस कवर हो रहा है। बॉटनी की तो किस्मत ही माड़ी है मैम, जब आप टाइम बढ़ाने का काम करते हो तो भी ये चेंज कर देते हैं। नहीं क्यों, किस्मत की मारी, किस्मत तो अच्छी है, किसने कहा? टाइम ठीक है, मतलब मुझे तो टाइम लग रहा है कि ठीक है, इतने मतलब हम बहुत जल्दी मतलब कर लेंगे कवर, टाइमली कवर हो जाएगा, क्योंकि इतना कुछ है नहीं ना। अब इसमें देखो, अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। अच्छा, इसको स्टार्ट करने का ना पर्पस सिर्फ ये है, क्योंकि एक तो ये बड़ी यूनिट है, क्योंकि इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज पढ़ेंगे। टिश्यूज में जो प्लांट्स में जो टिश्यूज होते हैं, जैसे मेरिस्टमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, इनका डिटेल में आता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टिश्यू सिस्टम यहाँ पर आता है, टिश्यू सिस्टम यहाँ पर हम पढ़ते हैं। इसके अलावा इसी यूनिट में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे एनेटमी ऑफ प्लांट आ जाता है। एनेटमी ऑफ प्लांट में हम यहाँ पे रूट, स्टेम, लीफ, इन सब की एनेटमी यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर फिर हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स यहाँ पर आता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है सेकेंडरी ग्रोथ से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो हमने करना है वो करना है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फिर इनकी मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट आती है। ये मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ये सब करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम इन्फ्लोरेसेंस करेंगे। इन्फ्लोरेसेंस में डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कौन कौन से होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस से भी क्वेश्चन आता है विद एग्जाम्पल। ठीक है, कि कौन से प्लांट में कौन से टाइप की इन्फ्लोरेसेंस आता है। इसी में साथ साथ हम यहाँ पे फ्रूट्स के टाइप भी करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स करेंगे, फ्लेशी फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, इनमें भी फर्दर टाइप और इनके यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या क्या आता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमने यहाँ पे करना फैमिलीज यहाँ पर करनी है। ठीक है, सिलेबस में जो 4 या 5 फैमिलीज है, सोलेनेसी, फैबिएसी, फैमिलीज, फैमिलीज का यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला, फॉर्मूला से क्वेश्चन यहाँ पर आता है, फ्लोरल फॉर्मूला से। ठीक है, यहाँ पर कैसे ये फैमिली में एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कौन कौन सा फ्लावर आता है, फिर क्वेश्चन आ जाता है कि इस फ्लावर का कौन सा फ्लोरल फॉर्मूला होगा, या फिर फ्लोरल फॉर्मूला गिवन होगा और बताना होगा कि कौन से फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पर आता है। ये सब हमारे इस यूनिट में आता है, तो ये थोड़ी सी लेंदी यूनिट है, इसलिए इस यूनिट को यहाँ पे स्टार्ट करें कि अभी हम इसको जल्दी कवर कर सकते हैं। ठीक है,
वैसे देखो वैसे अगर इम्पोर्टेंट यूनिट देखे ना, एक तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला किया, उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यूनिट हमारे पास आता है वो डाइवर्सिटी आता है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, ये हमारे पास नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ही आता है। इसको अभी इसलिए नहीं करवाया, इसका मतलब ये कि मतलब मेरा मेन पर्पस ये कि एग्जाम से पहले, मतलब एग्जाम जब आने वाला होगा ना थोड़ा सा, तब उसके बाद ये यूनिट करेंगे। रीजन यहाँ पे क्या, क्योंकि यहाँ पे आपको रटनी है ये वाली यूनिट, यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल करना है, अभी एक बार ही कर दिया तो एग्जाम से पहले भी आपको ये रिवाइज करने ही करनी पड़ेगी, तो दो बारी टाइम देने से अच्छा है कि इसको एग्जाम से पहले ही करेंगे, कि मतलब फ्रेश यूनिट होगी अभी की होगी तो साथ के साथ ये याद रहेगा, ठीक है। अभी कर लिया तो एग्जाम टाइम तक फिर उसको मतलब दोबारा से इसको पर टाइम देना ही पड़ेगा, हो सकता है कि उतना टाइम भी देना पड़े जितना अभी दे रहे, क्योंकि यूनिट ऐसे ही है, इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पे रखना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए इस यूनिट को तभी करेंगे कि एग्जाम में मतलब ज्यादा टाइम ना बचाओ, थोड़ा कम टाइम, तो 15 दिन पहले या 20 दिन पहले ना तभी यूनिट मतलब कम्प्लीट करेंगे, इसलिए कि मतलब तब मतलब फ्रेश होगी तो ये याद रहेगी, इसलिए यूनिट अभी नहीं करवाई, ठीक है। इसलिए पहले ये यूनिट करें, क्योंकि ये वाला लोगों की साथ साथ ही करते जाओगे तो ये तब भी एग्जाम तक भी याद रहेगा, वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है याद करना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास बचता है वो यहाँ पर आता है प्लांट फिजियोलॉजी आता है। अभी जो प्लांट फिजियोलॉजी है ना, मतलब इसका जो है ना, इसमें भी ना हमारे पास जो अलग अलग चैप्टर्स यहाँ पर आता है ना, जैसे हमारे पास मिनरल न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है, अब मिनरल न्यूट्रिशन जो चैप्टर होगा वो पूरा यहाँ पे क्रैमिंग है, मतलब उसमें रटना ही पड़ेगा, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि कुछ भी उसमें समझाने वाला इतना कुछ है नहीं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है उनके, फिर वहाँ पे उनसे डिजीज क्या हो सकता है, उनके डेफिशिएंसी से, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ प्लांट फिजियोलॉजी मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट फिजियोलॉजी का देखते हैं, अभी मेन फोकस ये है कि मेन फोकस ये हो जाए और यहाँ पे डाइवर्सिटी यहाँ पर हो जाए, कि अगर अभी हमें ये भी मिलता है ना, अगर 300 दिन भी हमें प्लांट फिजियो भी मिलता है ना, तो हो सकता है कि 2-3 घंटे की क्लासेस रखें प्लांट फिजियो को, वैसे कवर कर लेंगे कि यहाँ पे जितने साइकिल्स है ना, साइकिल साथ के साथ हो जाए, साइकिल सारी के सारी मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट हुआ, जैसे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इम्पोर्टेंट आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो इम्पोर्टेंट आता है, वो हो जाए और यहाँ पे साइकिल्स हो जाए। तो इसके लिए मैं सोचूं कि अगर इस यूनिट को अगर हमें 3-4 दिन भी मिल जाए ना, तो इस यूनिट को तब वैसे कवर कर लेंगे, ठीक है, कि पूरी जैसे मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर ये कि रटने वाला, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, कि मतलब ये हो सकता है कि आप अपने लेवल पे याद कर सकते हो कि डेफिशिएंसी कौन सी, मतलब डिसीज कौन सा होता है, ये सब हो सकता है, जो मेन समझाने वाला जो पार्ट है ना उसके लिए 3-4 दिन मतलब इनफ है, ठीक है। तो अभी मेन फोकस में ये करता है फिर उसके बाद लास्ट में फिर ये करेंगे, ठीक है। ये लेसन कितना कितने टाइम कितने दिन जाएगा मैम, जो अभी शुरू करा रहे हो आप इसके, तो मतलब एटलीस्ट मतलब ये होगा 10-15 डेज से जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो ये हुआ था ना, ये अप्रोक्स 1 मंथ लगा था इस पूरे यूनिट को, तो अब उसको थोड़ा सा जल्दी करवाना है, तो मतलब मिनिमम 15 डेज तो जाएंगे आराम से। मैम इसके बाद प्लांट फिजियो करवा देना पहले, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे ये हो जाए, ठीक है, ये कितने दिन लेता है, अभी टारगेट तो ये है कि 15 डेज में हो जाए, पर देखते हैं मैम थोड़ा जल्दी करा दो, थोड़ा जल्दी कर, थोड़ा जल्दी, देखो एक चीज समझो, एक चीज में ये होता है कि या तो हमने जल्दी जल्दी में ना 100% सिलेबस कर लिया, ठीक है, एक है कि 100% सिलेबस कर लिया बट जल्दी जल्दी में कर लिया, बट जल्दी जल्दी में 100% सिलेबस किया हुआ ना आपको मार्क्स नहीं देगा, इससे बेटर क्या होता है कि आप 70-80% सिलेबस करो, ठीक है, 70-80% करो बट क्या परफेक्शन के साथ करो, ठीक है, 70-80% सिलेबस करो बट क्या परफेक्शन के साथ, परफेक्शन की आपको मतलब इतना सिर्फ जितना करो उतना आता हो, बस इम्पोर्टेंट ये होता है कि जितना करो उतना आता हो, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में सिलेबस तो पूरा कर लिया लेकिन मतलब इतना याद ही नहीं, इतने कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट होता है, कंसेप्ट क्लियरेंस इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे उतना ज्यादा वहां पे क्वेश्चन करेक्ट कर पाओगे, आप सिलेबस कर भी लिया लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उस चीज का बेनिफिट नहीं है, लेकिन मैं दोनों चीजों पर ध्यान दूंगी कि आपका सिलेबस भी फटाफट से कम्प्लीट हो और साथ में कंसेप्ट भी क्लियर हो, ठीक है, दोनों चीजें। सिलेबस का नहीं है बट ये कि ऐसे फिर सारा टाइम ना क्लासेस में ही चला जाता है, सेल्फ स्टडी नहीं की तो कोई फायदा नहीं है क्लासेस लगा के भी, वो भी जरूरी है सेल्फ स्टडी। ठीक है चलो, अभी ना ऐसा है कि मतलब हो सकता है कि कल ना आपके बोटने की क्लास ना हो, ठीक है, कल बोटने की क्लास हो सकता है कि ना हो, तो दे दो हमें इसकी जगह में होमवर्क दे दो कोई ना, फिर हम अदरवाइज हम वो ढीले से बैठे रहते हैं। चलो ठीक है, होमवर्क दे देती हूं। अभी एक तो आपके पास होमवर्क क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला है ना, इसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इम्पोर्टेंट होमवर्क में यही है। एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे कैसे, अभी एक तो जो मैंने प्रीवियस ईयर भेजा हुआ है वो कर लेना, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन भेजा वो करना है। दूसरा, इसकी असाइनमेंट ऐप पर अपलोडेड है,
वहां से क्वेश्चन करना, ठीक है। असाइनमेंट इसके ऐप पर है, ठीक है। एक असाइनमेंट में कल और भेज दूंगी, ठीक है। इसी के एक और असाइनमेंट में कल भेजूंगी ग्रुप में ना, ग्रुप में ऐप पर भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। वो असाइनमेंट कर लेना। अब इसका ना टेस्ट भी अपलोड है ऐप पर ही ना, टेस्ट भी अपलोड है। तो आपके पास अभी जो 2-3 दिन, मतलब 2 दिन जो मिल रहा है सैटरडे संडे, अब इसमें क्या करो, रिवाइज कर लो। मतलब जो भी अब तक किया, मतलब 10 डेज अप्रोक्स हो गया, मतलब जो भी क्लासेस, पूरी यूनिट अच्छे से रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन अटेम्प्ट ऐसे कि आपका एक भी डाउट ना रहे, ठीक है। डाउट पूरे क्लियर हो, मतलब ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले यूनिट का ना हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर बनता है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हाँ जी मैम, जैसे हम क्वेश्चन, जैसे हम टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं ऐप के ऊपर, तो वो टेस्ट सिर्फ एक ही बार के लिए होता है ना, वो मतलब वो तो नहीं होता दोबारे? नहीं नहीं, एक बार भी दे सकते हैं। कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं? मेरे पास तो एक्चुअली ना मैम, मेरे पास तो वो दोबारे वो हो ही नहीं रहा, मतलब वो लिखा हुआ आ जाता है कि आपने अटेम्प्ट कर रखा है। ये पर होता है रिएक्शन, लेफ्ट साइड पर ऊपर ना एक ऑप्शन होता है रीअटेम्प्ट वाला। हाँ, रीअटेम्प्ट की ऑप्शन होती है ये ना। ये ऐसे ना कुछ टेस्ट में प्रॉब्लम आई थी कि रीअटेम्प्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन मैंने उसको ना बाद में चेंज कर दिया था, उसको मॉडिफाई किया, ठीक है। तो अब फिर दोबारा से करके देखना कि अभी दोबारा से आता तो फिर बताते हैं, फिर मतलब देखेंगे कि आगे इम्प्रूव करेंगे। मैं फिर दोबारा ऐप को डाउनलोड करूंगा या डिलीट करके? हाँ हाँ, उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना है, क्योंकि उसकी अपडेट भी आती रहती है ना, तब भी फिर प्रॉब्लम आती रहती है। तो जैसे न्यू अपडेट भी आता तो तब भी ऐसा हो जाएगा। एक्चुअली ना मैम, मेरे पास आ नहीं रहा वो रीअटेम्प्ट का ना ऑप्शन। अच्छा, तो कोई बात नहीं, एक बार मैंने पूछा था आपसे, ठीक है। अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके देखना, अगर फिर भी नहीं आता ना फिर इन्फॉर्म करना, फिर देखते हैं कि मतलब आगे फिर मैं सर से पूछूंगी कि क्या हो सकता है, मतलब क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, चलो। अभी बस मेन अभी ध्यान देना कि जितना हुआ साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे होती रहे। चलो, अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आता है टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो टिश्यू स्टार्ट करेंगे। अच्छा, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, जो क्या करते हैं सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इनका क्या होता है, हैव अ कॉमन ओरिजिन, और इनका क्या होता है कॉमन ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स होगा जो क्या करते हैं सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और इन सब का क्या होता है यहाँ पे कॉमन ओरिजिन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो प्लांट टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू के हम क्लासिफिकेशन यहाँ पर करें कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू यहाँ पे कौन कौन से आते हैं। अब जनरली जो प्लांट टिश्यू हमारे पास आता है, दो टाइप के यहाँ पे प्लांट टिश्यू हमारे पास होता है। एक हमारे पास यहाँ पे आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। एक टिश्यू यहाँ पर क्या होता है प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर आते हैं। दूसरे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है परमानेंट टिश्यू, दो टाइप के टिश्यू यहाँ पर होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है कि यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो सेल्स क्या करते हैं कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होता है सेल्स आर कैपेबल टू डिवाइड, ठीक है। अब ऐसे टिश्यू जहां पे क्या ऐसे सेल्स प्रेजेंट है जिनके पास कैपेबिलिटी क्या है कि जो क्या कर सकता है सेल यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ऐसे सेल्स जो क्या है कैपेबल टू डिवाइड, वो किसमें आता है, वो क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू में यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो सेल्स होता है वो क्या होता है इनकैपेबल टू डिवाइड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जो सेल्स है वो क्या कर चुके हैं अपने डिवीजन की एबिलिटी को लॉस कर चुके हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक इनिशियली जितने भी सेल्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं मेरिस्टेमेटिक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मतलब जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं। फिर जैसे जैसे प्लांट क्या करते हैं ग्रो करता है, अभी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है यही किसमें कन्वर्ट होता है परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू मतलब जो क्या करता है अब प्लांट मेच्योर हो रहा है, प्लांट अब ग्रो कर गया, मतलब वहां पे ऐसे सेल्स प्रेजेंट है जो अब डिवाइड नहीं करेंगे। एक सेल्स क्या प्रेजेंट है जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म करता है, और ऐसे सेल्स जो अपने डिवीजन की एबिलिटी लूज कर चुके हैं वो किस वो क्या फॉर्म करता है परमानेंट टिश्यू फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो परमानेंट टिश्यू हमारे पास आता है, परमानेंट टिश्यू क्वांटम यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
दो टाइप के परमानेंट इशू आते हैं, सिंपल परमानेंट इशू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट इशू। अब सिंपल परमानेंट इशू ये क्या होता है, ये होता है मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। अच्छा, वन टाइप ऑफ सेल और वन सेल में डिफरेंस है। यहाँ पे ये टिश्यू, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल होगा बट यहाँ पे जितने भी सेल्स होंगे वो सब सेम होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये जो सिंपल टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कि यहाँ पे ये क्या ग्रुप ऑफ सेल तो है बट ये सारे के सारे सेल कैसे यहाँ पे सेम है, मतलब ओनली वन टाइप ऑफ सेल यहाँ पे प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, यहाँ पे ये किससे कंसिस्ट होता है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे। तो सिंपल परमानेंट मतलब एक ही तरह के सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑल सेल यहाँ पे कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू आता है, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आता है, यहाँ पर आता है पेरेंट काइमा, पेरेंट काइमा, कोलन काइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। सिंपल परमानेंट में क्या था, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। अच्छा, इसके साथ साथ ना यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे एपिडर्मिस भी मेंशन हो सकता है। एपिडर्मिस में हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या हुआ, बोर्ड नीचे से नहीं दिखता, हम बोर्ड नीचे से, अच्छा बोर्ड विजिबल अभी विजिबल है ना, ठीक है, अभी क्लियर है, ठीक है। एपिडर्मिस, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, ये सब किसमें आता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। एंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में यहाँ पर क्या आता है, ज़ाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या आता है, ज़ाइलम एंड फ्लोएम, जो वॉटर वॉटर कंडक्टिंग वास्कुलर टिश्यू जो हमारे पास होता है, ज़ाइलम एंड फ्लोएम को वास्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं या फिर कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। वॉटर और फूड की कंडक्शन करता है ज़ाइलम एंड फ्लोएम। तो ज़ाइलम एंड फ्लोएम किसमें आता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है, और सिंपल परमानेंट टिश्यू में जाता है, एपिडर्मिस, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। तो अभी जो फर्स्ट पार्ट हमने करना है वो यही, सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू यहाँ पर देखेंगे, फिर यहाँ पे परमानेंट टिश्यू आएगा, परमानेंट टिश्यू में फिर यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू में ये सब डिटेल में करना, पेरेंकाइमा की क्या प्रॉपर्टीज आते हैं, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, ऐसे ज़ाइलम एंड फ्लोएम की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, ये अभी करना है। तो अभी जो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। फर्स्ट जो यहाँ पे स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जनरल क्लासिफिकेशन है टिश्यूज की कि प्लांट टिश्यू में कितना टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज की, फिर उसके बाद इनकी नेक्स्ट हम करेंगे डिवीजन, क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू के यहाँ पे क्या था, कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज आती हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं इनके पास क्या होता है, दे हैव लार्ज न्यूक्लियस एंड डिवोइड ऑफ रेटिकुल्स, क्योंकि ना प्रॉपर्टीज से भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है कि इनके पास क्या होता है, लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यहाँ पे वैक्यूल नहीं होता। जनरली प्लांट जो सेल होता है, प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि वहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते, लेकिन जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है यहाँ पे वैक्यूल्स नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट आता है नो इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब यहाँ पर जो सेल आएंगे उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है इनके पास प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल, इनके पास किसकी प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी होती है। अब इस सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो हमारे पास यहाँ पे मेरिस्मेटिक सेल है, यहाँ पे डिवाइड किया,
डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या बने, ये दो सेल यहाँ पर बने, ठीक है, यहाँ पर डिवीजन हो रही, क्योंकि हमने क्या किया कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वहां पर जो सेल्स है इनके पास एबिलिटी है डिवाइड करने की, डिवाइड किया यहाँ पर, ये दो सेल्स यहाँ पर बने। अब ये जो दो सेल्स बनते हैं इसमें से जो ये एक सेल होता है, ये एक सेल तो यहाँ पे क्या होता है स्पेशलाइज हो जाता है, स्पेशलाइज टू परफॉर्म फंक्शन, क्योंकि इनिशियली जो सेल्स होंगे वो भी स्पेशलाइज नहीं होते, वो भी अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, उनका कोई भी फंक्शन मतलब यहाँ पे फंक्शन डिसाइडेड नहीं होता। डिवीजन के बाद हर एक सेल का फिर फंक्शन डिसाइड होता है। अब जैसे ये सेल डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये वाला जो सेल है ये तो स्पेशलाइज हो गया, इसलिए स्पेशलाइज हो गया, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज हो गया। अब ये जो सेल है ये सेल अब स्पेशलाइज पे हुआ, ये सेल, ये जो सेल है वो सिमिलर टू किसके जैसा, पेरेंट के जैसा, ये कैसा सिमिलर टू पेरेंट, मतलब ये स्पेशलाइज नहीं हुआ, इसका फंक्शन यहाँ पे क्या हुआ, सिमिलर टू पेरेंट, तो इसका यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि यहाँ पे अब जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है अब इनके यहाँ पे पॉपुलेशन मेंटेन रही, ठीक है, ये क्या करते हैं अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं सेल्फ रिनल, मतलब अपने खुद की पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखना। देखो अगर यहाँ पे क्या होता कि दोनों सेल्स यहाँ पे डिवाइड किए, अब दोनों यहाँ पे क्या हो जाते हैं स्पेशलाइज यहाँ पर हो जाते हैं, स्पेशलाइज का मतलब अपना कोई फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशलाइज मतलब ये परमानेंट सेल कन्वर्ट हो गया, मतलब अपनी एबिलिटी इनकी लूज हो गई डिवीजन की। अब यहाँ से एक सेल तो यहाँ पे कम हो गया ना कि जिसके पास डिवीजन की एबिलिटी थी, लेकिन डिवीजन के बाद यहाँ पे जो दो सेल्स बने अब इनके पास एबिलिटी नहीं है डिवाइड करने की, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ सेल होगा वहां से सेल अगर ऐसा होता रहा तो सेल्स वहां पे क्या होते जाएंगे, सेल्स वहां पे कम होते जाएंगे, मैथमेटिक सेल का नंबर कम होता जाएगा, लेकिन जो मैथमेटिक सेल होता है वो क्या करता है अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखता थ्रू आउट द प्लांट, मतलब प्लांट की जो भी लाइफ साइकिल होती है उसके थ्रू आउट द लाइफ साइकिल यहाँ पे मैरिस्मेटिक का नंबर कैसे रहता है मेंटेन रहता है। अब वो मेंटेन कैसे रहता है क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी है सेल्फ रिन्यूअल, सेल्फ रिन्यूअल में क्या होगा कि जो दो सेल्स यहाँ पे बनते हैं दो में से एक तो स्पेशलाइज हो जाता है, मतलब एक पे यहाँ पे कैसे होता है परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, लेकिन जो दूसरा सेल होगा वो अभी भी सिमिलर किसके जैसा होगा पेरेंट के जैसा सिमिलर होगा, मतलब अभी भी ये किसकी तरह मतलब अभी भी ये क्या कर सकता है डिवाइड कर सकता है और फिर ये सेम फंक्शन ऐसे परफॉर्म करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं सेल्फ रिन्यूअल। और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मेरिस्मेटिक टिश्यू की कि ये क्या कर सकता है अपने खुद की पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस ऐसे होता है कि अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन का नंबर कम नहीं होने देते, क्योंकि नंबर कम होगा तो फिर वहां पे डिवीजन मतलब पॉपुलेशन वहां पे कम हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे कि सेल्फ रिन्यूअल का मतलब क्या होता है, ठीक है। बस इसमें एक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होता है कि इनका हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी खूब है क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन की एबिलिटी है, जो सेल जितना ज्यादा डिवीजन के लिए एक्टिव होता है उतना ज्यादा वो मेटाबॉलिक के लिए एक्टिव भी होता है, ठीक है, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो यहाँ तक ये जनरल प्रॉपर्टीज आते हैं किसकी, मेरिस्मेटिक टिश्यू की, इंपॉर्टेंट है लार्ज न्यूक्लियस, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी डिवॉइड ऑफ वैक्यूल्स होता है, और यहाँ पे सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इसके बाद टाइप्स आता है, तो टाइप्स फिर मंडे को स्टार्ट करता है, अभी क्लास है ना आप लोगों की। यस मैम, मैम एक क्वेश्चन था मैम, जब सेल्स डिफरेंशिएट करते हैं तो न्यूक्लियर साइज डिक्रीज होता जाता है और साइट जो प्रोटोप्लाज्म है वो इंक्रीज करता है, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज करता है, डेंस होता रहता है। जैसे परमानेंट के अगर हम परमानेंट और मैरिस्मेटिक में कंपेयर करेंगे ना तो यही होता है, मैरिस्मेटिक में लार्ज न्यूक्लियस है क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है, लेकिन जैसे वो परमानेंट में कन्वर्ट हो मतलब वो मैच्योर हो गया डिफरेंशिएट कर गया अब उसने डिवीजन की एबिलिटी भी उसकी लूज हो गई ना, मतलब न्यूक्लियर साइज कम हो जाता है। ओके मैम, मैम जैसे मेरिस्टमेटिक जो सेल है जैसे एक क्वेश्चन था कि अगर मेरिस्टमेटिक सेल के अंदर 120 डिवीजन हो तो उसके अंदर टोटल बनने वाले सेल का नंबर कितना होएगा, कितना होएगा मैम आपके क्या क्या टोटल, दो मिनट, टोटल क्या है मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या, अगर मेरिस्टमेटिक सेल के अंदर डिवीजन हो और वो डिवीजन 120 डिवीजन है, वो डिवीजन कैसे 120 डिवीजन हुई है मेरिस्टमेटिक सेल के अंदर, मुझे ये वर्ड समझ नहीं आ रहा कौन से डिवीजन है, 120 तो ये ऐसे समझो 120 टाइम माइटोटिक डिवीजन मतलब 120 नंबर बोल रहे हो, यस मैम, ये साइकिल्स इतने हुए हैं 120, अच्छा 120 टाइम वो डिवाइड किया ऐसे, तो उसके अंदर बनने वाले सेल कितने होंगे मैम, अच्छा इनिशियल पॉपुलेशन में दी हुई सेल की कितनी है,
वन है मैम, वन इनिशियल वन। अच्छा तो आफ्टर 120 साइकिल के बाद वो कितने होंगे मैम? जैसे एक सेल दो में बनेगा, जैसे मैम एक सेल दो बनाएगा जिसके हाँ। अंदर एक मेरिस्टमैटिक होएगा और दूसरा क्या कहते हैं वो होएगा जिसके अंदर स्पेशलाइज फंक्शन ले लेगा वो, ठीक है। तो इसको हम ऐसे वो कर सकते हैं ना कि जो मेरिस्टमैटिक सेल है वो तो 120 ही बनेंगे, सॉरी 121 बनेंगे, क्योंकि एक मेरिस्टमैटिक सेल पेरेंट सेल था, ऐसे ही होएगा ना? नहीं उसका फॉर्मूला होता है शायद मैम 2 की पावर 10 वो तो ठीक है, टोटल टोटल मेरिस्टमैटिक तो मैम 121 ही होंगे ना? टोटल मेरिस्टमैटिक 121 क्यों होंगे? क्योंकि देखो देखो इनिशियली जो हमारे पास सेल्स हैं अभी तो ये सारे के सारे मेरिस्टमैटिक यहाँ पे बन रहा है ना, ये तो हमारे लेटर स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं, लेटर स्टेजेस की। अभी देखो सेल उसके बाद ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद मैच्योर करेगा, उसके बाद यहाँ पे स्पेशलाइज्ड हो रहा है, उसके बाद जाके ये परमानेंट बनेगा, परमानेंट टिश्यू ये बनाएगा। लेकिन इनिशियली इसके हिसाब से आंसर क्या है? इसके हिसाब से तो ये फॉर्मूला 2 to the power n, मुझे लगता है फॉर्मूला मुझे याद नहीं है अभी किसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल का कुछ यहाँ पे फॉर्मूला करता है तो उससे कैलकुलेट करके यहाँ पे आंसर आएगा। वैसे इसका आंसर क्या दिया हुआ मैम? आंसर का नहीं पता, ये क्वेश्चन था वैसे। अच्छा तो ऑप्शंस वगैरह कुछ भी नहीं है, वैसे ही था ये? नहीं कुछ नहीं है मैम। अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो फॉर्मूला बट फॉर्मूला से अप्लाई होगा। अच्छा किसी ने पूछा था, ठीक है। फॉर्मूला मुझे याद नहीं अभी ना इसका, कैसे मतलब फॉर्मूला कैसे करते हैं, फॉर्मूला मैं बता दूंगी कैसे करते हैं, फिर उसके बाद इसका ऐसे करके फॉर्मूला से अप्लाई होगा, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे फिर उसके बाद ये सॉल्व होगा, ठीक है मैम? ठीक है लीव कर सकते हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल लीव कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू।